नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, समाजवादी पार्टी के एक बड़े मुसलमान लीडर यानी कि आजम खान, जो रामपुर से विधायक है, उनके ऊपर अब गाज गिरते हुए नजर आ रही है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के मिल्कन विधानसभा में एक भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद उस मामले की सुनवाई जो है 3 साल चली थी। और आप देखिए कि अब उसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज गुरुवार का दिन यानी कि 27 अक्टूबर, ये दिन काफी ज्यादा आजम खान के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज उनका फैसला सुनाया जाएगा कि उनको सजा याफ्ता कर दिया जाएगा या फिर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा मामला ये उत्तर प्रदेश में अभी गरमाया हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के बड़े मुसलमान लीडर आजम खान के ऊपर इससे पहले भी कई सारी गाज गिर चुकी है, चाहे अली जौहर यूनिवर्सिटी का मामला हो चाहे अन्य मामला। इस वजह से देखिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी आग लगी पड़ी है और सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने भी आ गई है, क्योंकि अगर अपने बड़े मुसलमान चेहरे को नहीं बचा पाते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, तो फिर यहाँ पर 2024 के लोकसभा चुनाव में और निकाय चुनाव में उनको काफी ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ेगी। इसी बीच देखिए, यहाँ पर सूत्रों से खबर ये निकल के आ रही है कि अखिलेश यादव इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से आजम खान समाजवादी पार्टी यहाँ पर मजबूती पहुंचाने का उसको काम आजम खान कर रहे थे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है यहाँ पर मुस्लिम और यादव समीकरण में, मुस्लिम समीकरण एक तो तितर बितर हो ही चुका है और भी ज्यादा तितर बितर हो जाएगा अगर आजम खान को जेल हो गई और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर कोई कड़ा रुख इख्तियार नहीं किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल।